हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट का हिंदी बाल भारती, है ना। तो फोर्थ स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दूसरी कक्षा का हिंदी दिया जाता है ताकि उन्हें वो इजी लगे। तो ये है हमारे फोर्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों का चैप्टर नंबर 5। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, ये वाला सच्चे मित्र और इससे पहले पानी दे, तो ये दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे। उसके बाद ये घर है, इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंस है नहीं, तो हम लोग ये स्किप करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे 5वें नंबर पे, यानी 5th चैप्टर, सिग्नल। सिग्नल मतलब जो हमारे रोड पर सिग्नल होता है, जो कि हमें ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताता है। तो ये चैप्टर बेसिकली ट्रैफिक रूल्स के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, संवाद, सुनो और दोहराओ, यानी ये बातचीत हो रही है कुछ लोगों के बीच में, जो कि हमें सुनना है और उसे फिर रिपीट करना है, दोहराना है, है ना। तो आते हैं हम ये बातचीत देखते हैं किसके किसके बीच में ये बातचीत चल रही है। जैसे गौरांश, अब इसमें एक कैंडिडेट है गौरांश। अब गौरांश क्या कह रहा है, ताई जी आज रविवार है, चलो ना ताऊ जी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। अब इसमें एक गौरांश है, जैसे हम इसे मान लेते हैं, ये है गौरांश, ये अपनी ताई जी यानी बड़ी मम्मी से कह रहा है कि बड़ी मम्मी आज संडे है, चलो ना बड़े पापा से बोलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। तो ताई जी, अब ये जो ताई जी है ये क्या कह रही है, हाँ ठीक है, पड़ोस के मुन्ना और रुक्की को भी साथ ले चलेंगे। यानी बड़ी मम्मी बोल रही है गौरांश से कि गौरांश चलो ठीक है चलते हैं, और हमारे जो नेबर में रुकी है, मन्नू और रुकी, उसे भी हम साथ लेके चलेंगे, ओके। तब ताऊ जी यानी बड़े पापा आते हैं, वो कहते हैं चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे। यानी फिर बड़े पापा बोलते हैं चलो ठीक है हम लोग सब ना बस से गांधी पार्क चलते हैं, और सब लोग बस में जाके बैठ गए। अब मन्नू, बस क्यों रुक गई? ताऊ जी, लाल सिग्नल पर गाड़ियाँ रुकनी चाहिए। गौरांश, सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं? अब देखो इसमें क्या कन्वर्सेशन चल रहा है, अब सब लोग बस में बैठ गए और बस सिग्नल पर जाके रुक गए। तब मन्नू उसमें से बोलती है कि ये गाड़ी क्यों रुक गई? तो बड़े पापा कहते हैं जब रेड सिग्नल कहीं भी आपको दिखे तो गाड़ी रुक जाती है। गौरांश, सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं? तो उसमें गौरांश को डाउट था, अच्छा ठीक है लाल हुआ तो रुकना है, तो ग्रीन होने पे क्या हम चल सकते हैं? तो रुकी, सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है? अब उसमें से ये बच्ची बोल रही है लाल हो गया तो रुक जाओ, ग्रीन हो गया तो क्या हम आगे जा सकते हैं, और पीला किस लिए है? तो अब आगे देखो ताऊ जी बोलते हैं पीला रंग बताता है कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा, यानी कभी भी रेड कलर है तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं, और ग्रीन है तो गाड़ियों को आगे बढ़ने का ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है, और येलो सिग्नल इसलिए होता है कि आपको बताता है कि बस अब इसके बाद रेड सिग्नल या ग्रीन सिग्नल होने वाला है। ताई जी, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी हमें हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करनी चाहिए। रुकी, मेरे बड़े भैया कहते हैं कि पैदल चलने वालों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। यानी इसमें से एक लड़की कहती है कि मेरे बड़े भाई हमेशा कहते हैं कि हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइन से ही पार होना चाहिए। मैं अभी आप लोग को बता दूँ, ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइन जहाँ भी हो आप वहीं से केवल सिग्नल क्रॉस करो, और चलना कहाँ है, फुटपाथ पे, है ना। ताऊ जी बोलते हैं फिर पैदल चलते समय फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप पैदल मिडिल रोड में तो चल नहीं सकते हो, और मिडिल रोड में चलोगे तो गाड़ी आपके ऊपर से चल देगी, अगर गाड़ी आपके ऊपर से चल दी तो आप सीधे भगवान के पास चल दोगे, है ना। तो ये नहीं, कितना अच्छा राइमिंग वर्ड बन गया, गाड़ी सिग्नल मिडिल रोड से मत चलो, वाह। गौरांश, वाह, बातें करते हुए हम सब गांधी पार्क पहुंच गए। ये सब सिग्नल्स के बारे में बात करते करते वो लोग गांधी पार्क पहुंच गए।
बेसिकली ये चैप्टर है सिग्नल यानी ट्रैफिक रूल के ऊपर। हमें कभी भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए, हमें हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए और कहीं भी नहीं, वरना ध्यान हटे दुर्घटना घटी ये वाला सीन हो जाएगा। नेक्स्ट, हमें हमेशा सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। रेड है तो गाड़ी रुकानी चाहिए, ग्रीन है तो गाड़ी चलानी है, येलो है तो वेट करो, आने जाने वालों को रास्ता खाली करो, बाकी का सब देख लेगा ट्रैफिक पुलिस, है ना। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स कुछ इस तरह से हमारे पास है। किसने किससे कहा, ओके, यानी किसने किससे कहा ये हमें आंसर बताना है। जैसे पहला है, चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे, तो ये चीज़ किसने कही थी, ताऊ जी ने बच्चों से, है ना। यहाँ पर है देखो, ताऊ जी ने चलो हम बस से गांधी पार्क जाएंगे, तो ये ताऊ जी कह रहे हैं ना, तो ये ताऊ जी बच्चों से कह रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा आंसर, ताऊ जी ने बच्चों से कहा। नेक्स्ट, सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं, ये गौरांच ने सब बच्चों से कहा। बस क्यों रुक गई, मनु ने ताऊ जी से कहा, तो मनु ने ताऊ जी से पूछा था ना कि ये बस क्यों रुक गई, तो यहाँ पर आंसर आएगा मनु ने ताऊ जी से कहा। अब रंग कहते हैं लिखो, यानी कौन सा रंग क्या कहता है वो हमें बताना है। रंग कहते हैं लिखो, अब रंग क्या कहता है वो हमें इसमें लिखना है ना। तो लाल पीला हरा यानी रेड, रेड कलर हमें क्या कहता है, गाड़ी रोकनी चाहिए, यानी रेड कलर सेइंग्स स्टॉप द व्हीकल। पीला, सिग्नल बदलने का वेट करो, यानी चेंज द सिग्नल, हमें वेट करना होगा सिग्नल चेंज होने का। हरा क्या कहता है, हरा होने पर गाड़ियां आगे बढ़ती हैं, यानी जब ग्रीन कलर होता है तब गाड़ियों को आगे जाने का इंस्ट्रक्शन मिलता है। तो कुछ इस तरह से ये था हमारा पूरा चैप्टर, और ये है लास्ट में एक, दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रमांक से लिखकर पढ़ो, यानी यहाँ पर आपको बॉक्स में उल्टा फुल्टा दिया है, जैसे ख ड ग घ क, तो आपको इसे ऑर्डर में लगाना है, इन अ सेंस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है। जैसे पहले क्या आता है, क ख ग घ अंग, तो इस तरह से आपको ये पूरा प्रॉपर सेट करना है और सेट करके लिखना है। अब यहाँ पर सुनो और समझो, यानी लिसन एंड अंडरस्टैंड। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान सड़क पर होता है कारण, बिकॉज पैदल चलने वालों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पर पार करना चाहिए। पैदल चलने यानी वॉक करने वालों को हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइन से ही रोड क्रॉस करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, पैदल चलते समय किस पर चलना चाहिए, तुम्हारे आसपास सड़क पर सिग्नल दिखाई देते हैं क्या, तुम सड़क कैसे पार करते हो, तो ये आपको अपने हिसाब से करना है, वैसे ये कुछ है नहीं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।